आपका झरोखा चैनल में हम स्वागत करते हैं और अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से हम उसका चैप्टर 5 अध्याय 5 ले रहे हैं, विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार। इसको हमने प्रश्नोत्तर शैली में तैयार किया है। पहला प्रश्न है, विशेष लेखन किसे कहते हैं? सॉरी, किसी विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन संचार माध्यमों में इसके लिए अलग डेस्क होता है और इस पर काम करने वाले पत्रकारों का समूह भी अलग होता है। जैसे खेल समाचार और फीचर विशेष लेखन के तहत लिखे जाते हैं। दूसरा है, मीडिया की भाषा में बीट किसे कहते हैं? उत्तर है, खबरों के अनेक प्रकार होते हैं, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, अपराध, फिल्म, विज्ञान, कृषि, कानून आदि। इन खबरों पर काम करने वाले उस विषय के विशेषज्ञ होते हैं। उनकी विशेषज्ञता और ज्ञान के आधार पर ही उनमें काम का विभाजन किया जाता है और इसे ही बीट कहते हैं। तीसरा प्रश्न, बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है? उत्तर है, बीट रिपोर्टिंग के लिए इतना ही पर्याप्त होता है कि संवाददाता को उस क्षेत्र का ज्ञान है, लेकिन विशेषीकृत रिपोर्टिंग में समाचार लेखक को सामान्य खबरों से हटकर उस विशेष क्षेत्र की घटनाओं, समस्याओं और मुद्दों का विश्लेषण करना पड़ता है, पाठकों को उनका अर्थ समझाना पड़ता है। यदि शेयर में भारी उतार चढ़ाव आया है तो उस पर रिपोर्ट बनाने के लिए कारणों आदि का विश्लेषण करने के लिए तथ्यों को भी सामने लाना पड़ता है कि ऐसा क्यों हुआ। अब चौथा प्रश्न है, विशेष लेखन की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, विशेष लेखन की भाषा शैली भी सरल और सहज ही होती है, परंतु उसमें उस विशेष क्षेत्र की तकनीकी शब्दावली का भी समावेश किया जाता है। मान लीजिए कि व्यापार क्षेत्र की खबर तैयार की जा रही है तो उसमें बिकवाली, तेजड़िये, मंदड़िये, मुद्रा स्फीति, ब्याज दर, राजकोषीय घाटा, इस तरह के शब्दों की बहुलता होगी, क्योंकि ये व्यापार से संबंधित है। अगर खेल संबंधी कोई रपट बन रही है तो उसमें छक्के, चौके, अंपायर, स्पिनर, बॉलर, विकेट जैसे शब्दों का प्रयोग होगा, क्योंकि क्रिकेट के बारे में खबर बनाई जा रही है। प्रश्न पांचवा, विशेष लेखन के क्षेत्रों की जानकारी दीजिए। उत्तर है, विशेष लेखन के जो क्षेत्र हैं वो हैं खेल, व्यापार, कृषि, राजनीति, अपराध, फिल्म, विज्ञान, विदेश, रक्षा, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून आदि आदि। प्रश्न छठवां, विषय विशेषज्ञता कैसे हासिल कर सकते हैं? उत्तर है, विषय विशेषज्ञता अपनी रुचि वाले क्षेत्र में ही हासिल करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बन जाऊं तो कैसे बनेंगे? तो सबसे पहले ये तय कीजिए कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में, किस क्षेत्र में, जिसमें है उसी में हमको अपनी विशेषज्ञता बनानी चाहिए। इसके लिए अपने विद्यालय स्तर की पढ़ाई के समय से ही ध्यान देना चाहिए, उस विषय की किताबों का अध्ययन करना चाहिए, उस विषय के विशेषज्ञों की जो किताबें हों, लेख हों, अखबारों में जो छपते हैं उनकी कटिंग्स काटकर रखना चाहिए और अध्ययन करना चाहिए, उस विषय का शब्दकोश
और एनसाइक्लोपीडिया भी आपके पास होना चाहिए। अगला प्रश्न है, सूचनाओं के स्रोत कौन से होते हैं? उत्तर है कि एक समाचार पत्र का जो रिपोर्टर है, संवाददाता है, वो अपने समाचार कैसे प्राप्त करता है, कहां से करता है, तो जैसे मंत्रालय के सूत्र, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विज्ञप्तियां, साक्षात्कार, सर्वे और जांच समितियों की रिपोर्ट, उस क्षेत्र में सक्रिय संस्थाएं और लोग, संबंधित विभाग और संगठनों से जुड़े हुए लोग, इंटरनेट और दूसरे संचार माध्यम, स्थायी अध्ययन प्रक्रिया, इन सब चीजों से एक संवाददाता अपने लिए रिपोर्ट तैयार करने के लिए सूचनाएं निकालता है और फिर खबर तैयार करता है। तो यह था विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार पर आधारित प्रश्नोत्तरों वाला एपिसोड। कृपया इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।